और भाई बहुत अच्छा गाते हैं और सुनना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। सर तुमको सुना अर्ज क्या है बताइए सर। हाँ भाई आप भी सुनाओगे कुछ पत्ते लिख कर चुके हैं और अपने लॉन्डो से मिलवाते हैं। ये इतने देखो एक घंटे बाद इनको बुलाया बंदे को। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज हमारे चैनल नई वीडियो साथ, तो गाइज वीडियो की शुरुआत सुबह की मॉर्निंग से हो रही है जो कि अभी इस समय बजे 6:30 है, जो कि मैं दिखाता था वहाँ पर यार बाद में क्या होगी यार 6:30 होते नहीं है। आप कहते हो 6:30 ये चेक करिए, ये चेक करिए गाइस सुबह की शुरुआत हो रही है सुबह की 6:30 के मॉर्निंग से। तो गाइस अभी मैं सो के उठ चुका हूँ और अभी मैं जाऊँगा थोड़ा फ्रेश व्रेश होना है, कपड़े वगैरह पहन लिया मैंने वैसे भी, और थोड़ा पानी वानी पी के फिर मैं जाऊँगा अपने दोस्तों के साथ बाहर वॉकिंग करने यानी रनिंग करने। तो रनिंग भी ज़रूरी है भाई अपने एक्सरसाइज वगैरह करने, थोड़ा बॉडी पर भी काम करना है यार। अभी थोड़ा धीरे धीरे एडजस्ट कर रहे हैं उसको भी, बट कोई नहीं आपको भी दिखाएंगे अगर मौका मिलेगा, क्योंकि फ़ोन तो मैं लेके जाता नहीं हूँ बाहर। और सुबह सुबह यार फ़ोन चलाने का मन नहीं करता, पर आपको मैं बता रहा हूँ कि हम जा रहे हैं अभी वॉकिंग करने और फिर मैं मिलता हूँ आपको। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं रनिंग करके और काफ़ी मस्ती करी है, काफ़ी फ़न करा है और मैं आपको दिखा नहीं सका क्योंकि फ़ोन ले जाता नहीं हूँ मैं वैसे भी बाहर, और जब रनिंग की बात आती है तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेके जाता। तो आज बहुत मस्ती करी है, पर कोई बात नहीं एक दिन ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि हम तो डेली जाते रहते हैं, पर एक दिन प्लान बनाऊंगा कि यार को आप लोगों को दिखाऊं। और कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और अभी मैं नहा धो के आ चुका हूं और अभी मैं यहां पे ये चेक करिए मैं यहां पे चाय पी रहा हूं और मैं आपको आज बहुत मस्ती करने वाला है। चाय पी के कपड़े पहन के मैं जाऊँगा कोचिंग, जानते हो कोचिंग, तो कोचिंग जाएंगे और अपने दोस्तों से भी मिलाऊंगा क्योंकि दोस्त वगैरह वहीं पे आए हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि कब तक आएगा। तो मैं यहाँ से भी नाश्ता पानी कर लेता हूँ और कपड़े वगैरह पहन लेता हूँ, फिर वहाँ पे आपको निकलूँगा और अपने दोस्तों से भी मिलाऊँगा और अपने सर से भी मिलाऊँगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें मस्ती करी हमने और बाकी बहुत से दोस्त हैं, हमने बहुत फ़न करा है कोचिंग में। और चलते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी खा लेता हूँ क्योंकि वैसे भी मैं खुद लेट हूँ, क्योंकि वो मेरे को तो भाई भसड़ मचा रहे हैं कि यार हमें बुला लिया यहाँ पे और खुद लेट आ रहा है। कोई बात नहीं तो एडजस्ट करते हैं, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लो यार। तो जल्दी जल्दी फटाफट खा लेते हैं फिर मिलता हूँ आपको वहाँ पे कोचिंग। तो गाइस कोचिंग आ चुके हैं और अपने लॉन्डो से मिलवाते हैं। ये इतने देखो एक घंटे बाद इनको बुलाया बंदे को और आज चेक करिए चेक। अच्छा ये बता कहाँ गया था? मैं गया था भाई तेरे को लेने, पर तू मिला नहीं। कहाँ पे गया था ये तो बता, लक्ष्मी नगर एक घंटे से वेट कर रहा था, कहाँ गया था तू? और तू बता भाई तो गया था मैं। अर्ज किया भाई की सारी भाई की सारी सुनना बहुत बढ़िया है भाई, बहुत भाई बहुत अच्छा गाते हैं और सुनना मजा आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। सर तुमको सुना अर्ज क्या है बताइए सर। भंडारी इसे भी ले आइए सर, सर आप भी आइए इधर आइए भाई साइड बैठिए, कुर्सी लाइए कुर्सी लाइए। अब कौन गाएगा भाई, दोनों गाओगे कौन गाएगा बोले बताओ? ये गाइए भाई और तुम धुन गाओगे, ये भाई धुन गाएंगे, ये भाई थोड़ी शायरी सुनाएंगे, भाई शायरी सुनाओ। अर्ज क्या है बोलिए सर अर्ज क्या है? इशाद, इशाद। आसमान से बढ़िया, आसमान से बढ़िया मेरा फोन में एक मून है। अरे है क्या सुकून है, जिसे बोलते हैं क्या मेरे फोन में शायरी सुनाओ भाई, शायरी सुनाओ, जनता वेट कर रही है, जनता वेट कर रही है, जनता ही वेट कर रही है, चौधरी वेट कर रही है जी। रैंजर्स सुनाएंगे यार
सुनाओ सुनाओ यार, कुछ तो सुनाओ, अर्ज किया है भाई। अभी एक चीज दिखाओ तुम्हें, इसके फोन से मैसेज भेजूंगा, कहीं कैमरामैन फोकस आएगा। कोई बात नहीं, सुनाओ। नहीं, नहीं, वो फोन दे रही हो क्या? दिखाओ भाई, कुछ और मत अभी आवाज़ सुन रहा हूँ। हाँ भाई की आप सुनाओगे, कौन सुनाएगा? भाई सुनाएंगे ना? हाँ सुनाइए सर। भाई क्या दिखा रहे हो यहाँ? मैं कुछ मैसेज सेंड करूंगा, यहाँ पे आवाज आएगी। अच्छा, कैमरामैन फोन फोन से करोगे मैसेज अपने? किस पे आवाज आएगी? इस पे आवाज आएगी। अच्छा, ये वाले फोन पे? चलिए इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, फोकस करिए भाई, इस पे फोकस करो जी। हाँ फोकस करो, हाँ चलिए फोकस करो, आप बताइए कैसे दोस्त है? हाँ सुनाओ भाई, क्या है? समुद्र से किनारा, और तो उनके ख्यालों में डूबे रहते हैं। किसकी किसकी? उन लोगों को लगता है क्या देखो, वो बंदे का मशहूर नजर आता है। वाह 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 वाह, महबूबा की। हाँ भाई आप भी सुनाओगे कुछ? पत्ते लिख कर ए भाई साहब, ये बढ़िया था तुम्हारा। हाय 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 हाय। और सर कुछ और सुनाओगे? यही बस यही तक तोड़ के कुछ नहीं लिखा। और तुम कुछ करोगे? तो पतली कमरी कर तो दिया भाई साहब, ये करेंगे पतली कमरिया। हाँ और कुछ पतली कमरिया? और कुछ नहीं? हाँ चलो मैं बोल रहा था। हाँ भाई क्या सुनाओगे आज? भाई क्या सुनाओगे? कुछ नया या कुछ क्या खास? आप क्या सुनाओ, कुछ सुनाओगे कि नहीं? मैंने कर तो दिए पतली कमरिया। पतली कमरिया आप क्या सुनाओगे, कुछ नया? भाई एक तरफा सुना रहा है इसके कहने पे। ओके किसके लिए? किसके लिए भाई? बस लिखा है। चलिए चलो सुनते हैं, जनता भी सुने। कैमरा जल्दी भूल जाता हूँ एक बार, ये जो होता है ना प्यार का एक तरफा सफर जो होता है, वो दो एक तरफा चल जाता है। ठीक है आप कहाँ जाओ सर? मैं बैठा पड़ा हूँ। अच्छा कंपनी बाबा कौन करेगा भाई? भाई 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 कंपनी देना भी है भाई को। बता रहा हूँ डेढ़ मास कैमरा हो जाएगा मेरे। चल हाँ जी सर बताइए। क्या उसे पानी की चाह रखते हैं? वाह मगर जताते नहीं है। वाह वाह वाह, अभी दिल की बात हम दिल को भी बताते नहीं है। वाह क्या बात है, क्या बात है, कैसे बताइए कैसे कैसे? कौन सा पोजीशन है ये? कौन सा पोजीशन है? पुष्पाज। अच्छा पुष्पा राज, कैसे अपने जनता को बताइए? ऐसा कौन थोड़ी होता है, यू ऐसे होता है ऐसे ऐसे पुष्पा राज कैसे? ये कोई पुष्पा ये पुष्पा कुछ और लग रहा है यू। हाँ पुष्पा क्या करेगा, झुकेगा नहीं सारा। हाँ झाड़ू लगाना यहीं पे। कौन है? देख पहले हम चारों यहाँ पे थे, ठीक है? हाँ पहले हम चारों यहाँ पे थे, ये राम साहब, ये राम है, हाँ ये राम, ये साहब थे। अब तो दो तैयार हुए। ये क्या बना क्या है यहाँ पे? ये पता नहीं क्या मिलिट्री की तैयारी करवा रहे हमसे। किस चीज़ की मिलिट्री की तैयारी? मिलिट्री का है तब भी। चार लोग की कौन सी मिलिट्री आई? अब चार लोग करते हैं ऐसे कौन सी। ये रस्सी है, रस्सी होता। हाँ सर क्या बताना चाह रहे हैं बताइए। रूठ गया तो कोई मनाने आएगा। अच्छा अकेला बैठा हूँ तो सोचता हूँ कोई सताने आएगा। अच्छा वाह 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 वाह, रातों में खोए रहता हूँ उसके ख्याल में, दिन हो गया तो उसकी याद दिलाने आएगा। वाह 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 वाह, मौज कर दी तू भाई। मुझे ये बताओ किसके लिए बना रखा है ये अपनी बाबू के लिए बनाएगा, इनके बाबू के लिए जैस्मिन बाबू। मतलब कौन सी बाबू भाई तुम्हारी? बाबू जी बाबू कुछ बाबू तो अभी बनेगी ऐसी ऐसी फ्री टाइम में फ्री टाइम में फ्री टाइम में कुछ
कुछ लिखता हूँ किसी के लिए। किसके लिए? बस किसके लिए क्या लिख, समझ रहे हो? जो आने वाली है, जो आने वाली है, समझ रहे हो? किसके लिए भाई? अभी मेरे साथ घूमता है फ्री टाइम में, दे दे मेरे साथ घूमता है। कहाँ पे? ये मुर्गा मेरे साथ, मेरे साथ। तो ये फ्री टाइम में कैसे बना लेता सारी? छोटी सही मुलाकात तो होगी। वाह 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 वाह, अकेले ना सही कुछ साथ तो होगी। वाह 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 वाह, कटारिया है, कटारिया 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 कटारिया। और यू वेरी ज्यादा सिस्टम बाय सिस्टम है कटारिया कटारिया कटारिया। क्या बनाना है? हम 75 वर्ड्स का पहला दिन पुशअप है, पुशअप के साथ कितने पुशअप कितने मानना चाहो भाई? मैं 50 ही मारता हूं भाई, 50। हां इतने बॉडी बिल्डर करके भाई कह रहे हैं 50 मारेंगे तो देखते हैं भाई। भाई के भाई के डोलू तो मार गया मेरे साथ। अच्छा कंपटीशन दोनों में? भाई मैं तो मर जाऊंगा 20 में ही मर जाऊंगा। और भाई तू जी मारे मैं हूं भाई, कितना मारोगे भाई? 50 ही मारूंगा बस, 50 का टारगेट है। तो भाई 50 पे टारगेट है, देखते हैं। सर जितने मार सकते हो उतने मार लो, मैं तो भाई 20 में ही मार पाऊंगा, इससे ज्यादा तो नहीं। से मैं 50 मारता ही हूं ना भाई, वीडियो देख रहा हूं। चलो चेक करते हैं, मैं तो ट्राई करूंगा एक बार। तो भाई अभी हम मारेंगे, अब देखते हैं। भाई कह रहे हैं 50 मारो, मैं तो भाई 20 मारूंगा, देखेंगे 50 में पहुंच जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 40 पहुंच जाएंगे बोलो, ये हम 50 मारेंगे। आई तो कोई बात नहीं, चेक करते हैं कितना मार पाएंगे। मैं तो भाई 20 ही मारूंगा। मैंने मार दी 50, क्योंकि मेरे तो 50 नहीं होंगे, कितने होंगे पूरी बताओ? 40 तो होंगे साक्षी। ये लेटर मिली, ये लेटर था तो किसने दिया लेटर? आड्डा का आगा भाई, आड्डा भाई तेरा लेटर है? किसका लेटर है? कॉलेज की है, कॉलेज का लेटर है भाई। वो छोड़ रहे, अब तू बता क्या सुना रहा भाई? कुछ सुना रहा है कुछ और? भाई को भाई को मन कर रहा है कुछ और सुनाने का। क्या सुनाओगे भाई बताओ, क्या सुनाओगे? लेटर सुनाओगे, क्या सुनाओगे? शायरी शायरी का नाम बताइए, वो तो फोन में है। किसके लिए, कौन सा गम है, कौन सा है? भाई जो सोचा ना था वो सेटिंग हुई है। चलो सुनाइए कौन सा है? गुलशन है अगर सफर जिंदगी क्या 4 साल में गुलशन है सफर अगर जिंदगी का उसकी मंजिल शमशान क्यों है? ओहो, जब जुदाई का जुदाई है प्यार का तो फिर करने वाला हैरान हैरान क्यों है? वाह वाह वाह, तो सिंगल बना रखा है खुद तो लगे रहते जिंदगी वरदान क्यों, वरदान क्यों है? दिल ठीक है जो कभी ना मिले उसी से लग जाता दिल, आँखें ये दिल का नादान क्यों है? नादान क्यों है? वाह वाह वाह, बड़ी मुश्किल से बना हूँ, टूट जाने के बाद अब भी रो देता हूँ पुराने के बाद मोहब्बत थी भाई बाबा की ये महसूस उसके दूर जाने के बाद। तो गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ कोचिंग से और काफ़ी मस्ती करें, काफ़ी अच्छा लगा इतने टाइम बाद, एक या दो डेढ़ महीने बाद दोस्तों से मिलना, काफ़ी फ़न करना। आपने तो देख ही लिया होगा, कोई बात नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम जाने का ज़रूर मिलेगा तो जाएंगे। और दूसरी बात कि मैंने अपने सर से मिला ही नहीं क्योंकि वो थोड़ा बहुत मीटिंग में बिजी थे और उन्होंने भी समझ रहे हो तो मीटिंग में थे तो मिला नहीं पाया। और कोई बात नहीं, तो वो भी ज़रूरी था और बाकी बच्चे भी थे वहाँ पे तो कंफर्टेबल थोड़ा हो नहीं पाता है। कोई बात नहीं सर, तो किसी ने ज़रूर मिलेंगे, अगर एक बार जाएंगे दोबारा तो आपको पक्का ज़रूर मिलाऊंगा। मैम से भी और सर से भी काफ़ी मस्ती करें और अगर जाएंगे दोबारा, ये तो 2-3 लोग दोस्त थे मेरे जो कि अभी ये कोचिंग गए थे, बाकी भी दोस्त हैं बहुत मस्ती करने वाले, कम से कम 7-8 ऐसे दोस्त हैं जो कि बहुत मज़े करते हैं, बहुत मस्ती मजाक, अगर मिल गए तो मस्ती मजाक चलता है, बहुत मस्ती करते हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर ज़रूर मिलेंगे आने टाइम पे तो हमको मिलाऊंगा एक एक करके। ये 3 थे
और बाकी भी बहुत हैं, तो अगर जैसे जैसे वीडियो भी आगे आएगी तो मैं आपको मिलाता चलूँगा और मस्ती करते चलेंगे। ये अपने बैच के बंदे थे और काफ़ी मज़ा अच्छा लगा। अभी मैं घर पे आ चुका हूँ, कपड़े वगैरह मैं उतार चुका हूँ और अभी मेरे को लगी भूख, तो मैं अभी खाना खाऊँगा थोड़ी देर में, वरना मैं अभी खाऊँगा क्योंकि इस समय तो 6 बज रहे हैं। कोई बात नहीं, तो देखते हैं क्या बना हुआ है घर पे, अगर कुछ बना होगा तो खा लेंगे, नहीं तो कुछ बाहर से ला के उसको खा लेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। खैर चलो कुछ देखते हैं क्या बना हुआ है, तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस मेरे को लगी थी भूख और मैं यहाँ पे चाय बना के और बिस्कुट वगैरह खा के मैं बैठा हूँ। ये देख चेक करिए गाइस, तो अभी मैंने चाय बना लिया है और मम्मी को पता नहीं है कि मैंने दूध ख़त्म कर चुका हूँ चाय बनाने में, और जैसे ही मम्मी अभी इस समय गई है दूध लेने, जब आएंगी तो उनको पता चलेगा कि दूध ख़त्म हो चुका है। तो भाई क्या करूँ, कुछ तो बहाना मारना पड़ेगा क्योंकि बाद में भी चाय पीनी है, और चाय यार मरे ही कुछ और होता है। जब चीज़ें सही चल नहीं रही होती है ना, तब आप चाय पी लो तो थोड़ा बहुत जो चीज़ें दिमाग में चल रही होती है ना वो थोड़ी शांत हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि सबके साथ होता है, बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये शायद मेरे साथ ही होता है। तो ये शायद अपना अपना ओपिनियन है यार, अपना अपना ओपिनियन है, तो कोई बात नहीं। तो अभी हम तो यहाँ पे चाय पी रहे हैं, तो अभी देखो मम्मी आई नहीं है, 7 बजने वाले हैं, तो अभी आती होंगी, 5-10 मिनट में आ जाएंगी, तो देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि डांट तो पड़ने वाली है, कुछ ना कुछ तो बहाना मारना है, क्योंकि दोबारा चाय चाहिए 1-2 घंटे में जब पापा आ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, तो चुस्की मार लेते हैं चाय की। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे इसको जाके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको छोटा सा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन्जॉय करें। तो मुझे कमेंट में बताना है आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, तो बताना है जरूर यार। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।